और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ? और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको उनको हमसे तकलीफ था। और हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है। और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, आप चिंता मत करो। विभिन्न विभागों के नेताओं ने राय रखी है, सब लोगों ने अपनी बात रखी है। शांति शांति, क्या बात है? सब लोगों का तब बात हम सुने हैं, तो हमारे बोलने के समय क्या बोल रहे हैं? सुनना नहीं चाहते मेरी बात? बोला जाने खुद ही। अगर कोई सुनना नहीं चाहता है, बोला जा, बोला तो सीधे वोट कराइए, विपक्ष उसी तरफ बोला जा। सर, तो हम जितने लोगों ने अपनी बात रखी है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और अब ये समय आ गया है, हम तो अलग हुए हैं, लेकिन आप जानते हैं कब से शुरू हुआ है? 2005 से जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, और तब से ये 18वां साल है। अब बीच में हमने 9 महीना छोड़ करके उनको दे दिया था, और फिर हम काम कर रहे हैं। अब बोलते, मुझको आश्चर्य होता है आप सुनना नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं, बोलिए बोले। अगर शांति शांति, आपको हो क्या गया है? हम सब की बात सुने हैं। अरे आप समझाइए लोगों को। शांति 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 बोल रहे हैं। अभी तो हम शुरू ही कर रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं। आप सुनिए उनका, कितना देर सुने हैं। शांति शांति, ये 40 मिनट इनकी बात सुने हैं। बैठ जा, बैठ जा। शांति शांति, तो आप लोगों को याद है कब से हमने काम करना शुरू किया है? 2005 से। और 2005 से जब काम शुरू हुआ है, और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था। और जब हम लोगों को मौका मिला, और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था, और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। कब हुआ था? आज तक भूल जाना है? अगर इतिहास जानो, 5 के पहले तक का इतिहास जानो, और उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के साथ हुआ था कार्रवाई, और जो कुछ भी हुआ, तो 15 साल नहीं किए, और जब हमको मौका मिला तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। कौन सा काम है जो भूल रहे हैं? और हमने कभी भी समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है। और कितना काम हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। अब शाम में कोई है, अब आप सोचिए 12 बजे 13 के बजे तक, 11 बजे 12 बजे तक महिलाएं घूमती हैं। आ कहां महिलाएं पढ़ती थी? 5वें क्लास के बाद आज क्या है?
अब मैट्रिक तक लड़का लड़की दोनों बराबर, और कितना काम हम लोगों ने किया। हमने इनको मौका दिया एक बार, और हाँ दिया है, दो बार दिया है। जब पांच मैंने हमने किया, ये साथ में थे, और जो कुछ भी हमने तय किया सारे काम कि हमको क्या करना है पांच से दस, ये पूरी की पूरी पार्टी ने एक साथ दिया, उसको स्वीकार किया, और कितना आगे बढ़े। और फिर दस में जो किया, तो जो कुछ भी हमने तय किया इन लोगों ने तय किया कि यही रहेगा, लेकिन 25 जब हम 15 में सात निश्चय की बात हमने की, तो आप लोग भी आए तो कोई इधर उधर किया, सात निश्चय मेरी आइडिया थी, किसी और का नहीं था। और जब मेरे साथ आ रहे थे तो स्वीकार किए और पहले गड़बड़ नहीं किए, और कुछ दिन के बाद हम देख रहे थे कि काम ठीक नहीं कर रहे हैं ये लोग, तब हमने फिर वापस इन लोगों का साथ, और उसके बाद फिर 2020 में जब हमने सात निश्चय दो तय किया, तो इन लोगों ने पूरा का पूरा साथ दिया और एक साथ उसको भी किया। और जब आप लोग आए तो सात निश्चय दो का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। इतने बड़े पैमाने पर सबकी नियुक्ति हो रही थी, तो शिक्षा के मंत्री कौन थे? और शिक्षा के बारे में जो तय हो गया था और वही हो रहा था, तब आप लोग आए तो जबरदस्ती शिक्षा ले लिए। एक बार कांग्रेस भी शिक्षा लिया था लेकिन इधर उधर नहीं किया। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक देते थे, हर बार रोकते थे, और वही हुआ। इसीलिए ये सब बात मत करिए। और दूसरी बात, जब ये लोग साथ थे तो हमने बाकी सब लोगों को एकजुट करने के लिए यहां पर मीटिंग भी किया। आप जरा बताइए, हम सबको एकजुट कर रहे थे। हम इन लोगों को कह रहे थे कि छह पार्टियां हैं, तो सभी छह पार्टी को हमने एक पार्टी को एक किया। हमने कहा कि उनके साथ दो दीजिए और बाकी कांग्रेस को दो ही दिए। हमने कहा नहीं, दो से ज्यादा मिलना चाहिए, उनका 19 सीट है। और उसके बाद आप लोगों को, बाकी जो पार्टियां थी उन सब लोगों को भी कहा कि उनको सीट मिलना चाहिए, लेकिन दुए को मिला इन लोगों को। आई लोग बराबर आके हमको कहते थे, हम के जाके मिल लीजिए, आप ही लोग साथ थे, तो कुछ हुआ जी? तो इसीलिए, और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ? और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको उनको हमसे तकलीफ था। आ हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है। और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करो। लेकिन हम किसी को हम नुकसान नहीं करेंगे, हम आपके सबके हित में काम करेंगे। आप जिस कम्युनिटी की बात करते हैं उनके हित के लिए भी काम करेंगे, आप बिना मतलब का। अरे आप लोगों के तो हित में हम काम करते रहेंगे, आप तो मेरे साथ थे पहले, अब बीच में इधर से उधर हुए। और आपको मालूम है जब हम पहली बार चुनाव लड़ते थे, और उस समय सारे जो हमारे सीपीआई सीपीएम के लोग थे, सब हमको साथ देते थे, हमारा रिश्ता। और आपकी पार्टी का रिश्ता हम लोगों के साथ। अब बाद में जो इधर उधर करें, अब आपका हम सब चीज सुन ना लीजिए, बाद में कहिएगा। तो हम तो शांति शांति तरफ से, अब सारा काम हो गया है, अब पूरे तौर पर सारा विकास का काम, लोगों के हित में काम, और ये सब काम हम लोग करते रहेंगे। हमारा यही आग्रह है
कि अब जान लीजिए कि कितना ज्यादा सात निश्चय में कितना फायदा हो गया 2016 से, और सात निश्चय दो में जो हमने 2021 से शुरू किया आज कितना फायदा हुआ है, और ये सब काम इसको हम लोग जारी रखते हैं, और इसी के माध्यम से बिहार का विकास होगा और समाज के हर तबके का हम लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग कभी भी किसी के खिलाफ नहीं है। अब बाकी इन लोगों का जो कुछ भी होगा, अरे भाई हमको तो बीच में तकलीफ हो गई कि हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी कभी इधर उधर नहीं किया था, अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे, और फिर हम लोगों के पार्टी के और इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। अब कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया, हम सबका जांच करवाएंगे, सबका जांच करवाएंगे, कोई गड़बड़। याद रखिएगा, आप लोगों की पार्टी ठीक नहीं कर रही है, अब गौर कर लीजिएगा। इसलिए और आप लोग काहे के लिए इधर उधर है, इधर वाला सब आपका साथ देगा। आपको जब कोई समस्या हो आकर के मिलिएगा, और आपकी समस्या का भी समाधान हम लोग करेंगे, चिंता मत करिएगा, हम सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन राज्य के हित में काम कर रहे हैं, और राज्य के हित में काम होगा, और अब हम लोग जो तीनों एक साथ हैं, अब हम ही लोग तीनों एक साथ रहेंगे और पूरा का पूरा काम करेंगे। और आज नहीं बैठ जाइए, प्लीज आप जो मेरे एक मिनट हम आग्रह करेंगे कि जो मेरे पक्ष में जितने हैं उनका भी वोट ले लीजिए, और मेरे खिलाफ देना चाहते हैं तो उसका भी वोट ले लीजिए। लेकिन आप जा रहे हैं तो जाने दीजिए, मैं तो आग्रह करूंगा कि आप जो हम लोगों के पक्ष में हैं उसका भी वोट ले लीजिएगा। हाँ, वो गिनती कर वही होगा। तब पता चलेगा कि हम लोगों के पक्ष में कितने हैं। वही शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।